everyone, myself Deepa Vashisht. I hope you all are doing well. So, organic spectroscopy में हम लोगों ने NMR start किया था. NMR का जो last lecture था उसमें हम लोग introduction part study कर चुके हैं कि जो भी NMR technique है या instrument है वो हमारे किन applications के लिए होता है, किस लिए हम use करते हैं, उसका basis क्या है, किस principle पे वो work करता है. यानी एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल आप लोगों को मैंने दिया था कि आप लोग मूवी देख रहे हो, बट उस मूवी के पीछे जो बिहाइंड द सीन्स हमारे पास स्टोरी है वो हमें नहीं पता होती, कभी पता चल भी जाती है. तो वही चीज हम यहाँ पे कह रहे हैं कि जो आपको एक एनएमआर डाटा मिलता है, इस तरीके से पीक्स या फिर सिग्नल देखने को मिलती है, इस सिग्नल तक पहुंचने के लिए एक्चुअल में एनएमआर इंस्ट्रूमेंट में क्या हमारे पास इंटरेक्शन हो रही है, क्या इन्वॉल्वमेंट हो रही है, वो हम इस इंट्रोडक्शन पार्ट में कंप्लीट कर चुके थे. नाउ वी विल मूव टू नेक्स्ट टॉपिक विच इज पैरामीटर्स ऑफ 1H एनएमआर, जो हम आज स्टडी करेंगे. पैरामीटर्स ऑफ 1H एनएमआर क्यों? बिकॉज आपके पास जो यहाँ पे सिलेबस में रहेगा वो प्रोटोन एनएमआर भी है, एज वेल आपके सिलेबस में कार्बन 13 एनएमआर भी है. तो जो पैरामीटर्स हैं वो बेसिकली हमारे पास प्रोटोन और कार्बन 13 दोनों के लिए इक्विवेलेंट ही रहेंगे, बट अभी हम कम्प्लीटली 1H एनएमआर की बात करेंगे. सो वी विल स्टार्ट विद पैरामीटर्स ऑफ प्रोटोन एनएमआर. और पैरामीटर्स में आपके पास क्या सब टॉपिक्स रहेंगे पहले आपको ये जानना जरूरी है, एंड आफ्टर दैट वी विल स्टार्ट आवर टॉपिक. तो जो सब टॉपिक्स हैं, लाइक पैरामीटर्स का मतलब क्या है, आपको किसी ने ये डाटा दे दिया, आपके हाथ में ये चार्ट पकड़ा दिया, ग्राफ पकड़ा दिया और कहा कि बताओ इससे आपको क्या इंफॉर्मेशन मिल रही है, क्या इंटरप्रेट कर पा रहे हो आप. तो आपको एक तरीके की लैंग्वेज का कुछ पता होना चाहिए, वो कोड वर्डिंग का पता होना चाहिए जो आप इस डाटा से इंटरप्रेट कर पाओ. जैसे आपके कंप्यूटर में होता है उसकी अपनी खुद की लैंग्वेज रहती है, वो उसी लैंग्वेज से सब चीजों को समझता है. एग्जैक्टली यहाँ पे भी इस डाटा को समझने के लिए, इंटरप्रेट करने के लिए आपको किसी लैंग्वेज का पता होना चाहिए. उस लैंग्वेज के लिए कुछ पैरामीटर्स है, उन पैरामीटर्स को हम वन बाय वन स्टडी करेंगे. आफ्टर दैट सबको कंबाइन करते हुए हम इस डाटा की हेल्प से किसी भी मॉलिक्यूल या कंपाउंड के स्ट्रक्चर को बता सकते हैं, जिसमें फर्स्ट पैरामीटर आपके पास रहेगा नंबर ऑफ सिग्नल्स, देन सेकेंड पैरामीटर आपके पास रहेगा एरिया रेशियो ऑफ सिग्नल्स, ठीक है, एंड देन थर्ड हमारे पास रहेगा, फर्स्ट है नंबर ऑफ सिग्नल्स, देन एरिया रेशियो ऑफ सिग्नल्स, देन आपके पास है केमिकल शिफ्ट, एंड देन आपके पास रहेगा मल्टीप्लिसिटी, एंड लास्ट वन इज कपलिंग कॉन्स्टेंट. तो ये जो हमारे पास यहाँ पे मैंने पैरामीटर लिखे हैं, ये सारे पैरामीटर हमें वन बाय वन स्टडी करने हैं कि होते क्या है, इनसे हमें पता क्या चलता है, क्या इंफॉर्मेशन हम इंटरप्रेट कर पाते हैं, फिर इन सारे पैरामीटर से हम किसी भी मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर तक कैसे पहुंचते हैं, ये सब डिस्कस किया जाए. सो आई होप आपको प्रीवियस लेक्चर और जो आज का लेक्चर होने वाला है उसके बारे में पता चल चुका है कि हम क्या स्टार्ट करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट नाउ विद द हेडिंग पैरामीटर्स ऑफ 1H एनएमआर, ठीक है. आपने यहाँ पे क्या हेडिंग देनी है अब नेक्स्ट टॉपिक की, पैरामीटर्स ऑफ 1H एनएमआर या फिर प्रोटोन एनएमआर. ओके चलो देखिए, ये जो पैरामीटर्स ऑफ एनएमआर है इसमें से क्वेश्चंस आपको डायरेक्ट आते हैं, काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है और इजी भी है, कुछ ज्यादा मुश्किल नहीं है, ठीक है. दो चार बातों का ध्यान रखना होता है और उनके साथ आप इसके क्वेश्चंस को आसानी से कर सकते हो. सो पैरामीटर्स ऑफ 1H एनएमआर आप कह लो या फिर किसी भी एनएमआर के लिए, क्योंकि जनरली ओवरऑल हमारे पास यही पैरामीटर्स कॉमन रहते हैं, ठीक है. फर्स्ट आपको अभी अभी मैंने बताया था कि फर्स्ट पैरामीटर जो आज हम स्टडी करेंगे वो है नंबर ऑफ सिग्नल्स. अब ये नंबर ऑफ सिग्नल्स हमें क्या इंफॉर्मेशन देता है, सपोज हमें एक कोई डाटा मिला है इस तरीके से एनएमआर डाटा, जिसमें इस तरीके से एक दो तीन, तीन पोजीशन पे हमें पीक्स मिल रही है, ठीक है. दो की इंटेंसिटी काफी बढ़िया है, काफी हाई है, और एक की इंटेंसिटी बहुत कम सी है बट है, विजिबल है. तो मैंने यहाँ पे क्या कह देना है कि मेरे पास कितने सिग्नल्स आए, तीन सिग्नल्स, एक दो तीन, कितनी पीक्स नजर आई, तीन. तो वो जो नंबर ऑफ सिग्नल है वो हमें इंफॉर्मेशन देते हैं, इट गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट
it gives information about number of set of equivalent protons. Number of और सेट ऑफ इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स. तो अब यहाँ पे नंबर ऑफ या सेट ऑफ इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स का मतलब क्या है कि लाइक आपके पास आप एग्जांपल के साथ सोच सकते हो कि एक मॉलिक्यूल है CH3CH2Cl, ठीक है. अब इस मॉलिक्यूल में नंबर ऑफ सिग्नल्स हम कैसे बताते हैं कि जैसे ये दो हाइड्रोजन है, अब इसे मैं पूरा इलेबोरेट करके लिखती हूँ, ठीक है, इस मॉलिक्यूल को, ताकि आपको सारी चीजें बिल्कुल क्लियर रहे. अब ये जो दो प्रोटोन है आपके पास, ये सेम कार्बन के साथ अटैच्ड है, जैसी बॉन्डिंग इसकी वैसी ही बॉन्डिंग इसकी. तो ये दोनों हाइड्रोजन आपके सेम कैटेगरी में रहेंगे, और अगर सेम कैटेगरी में रहेंगे तो इन दोनों के दोनों हाइड्रोजन का सिग्नल होगा सेम. बट अगर मैं बात करूं इन बाकी CH3 के तीन प्रोटोन्स की, तो ये जो मेरे पास तीन प्रोटोन्स हैं, ये तीनों आपस में सेम है बट इन दोनों से अलग है. आपस में सेम है बट इन दोनों से अलग है. बट अगर ये तीनों आपस में सेम है, एक ही कार्बन के साथ बॉन्डेड है, तो फिर इन तीनों के तीनों प्रोटॉन्स का आएगा दूसरा सिग्नल. तो अगर इस मॉलिक्यूल में आपसे पूछा जाता कितने सिग्नल, तो आपका आंसर होता 2 सिग्नल्स. और ये 2 सिग्नल हमें अगर मिल रहे हैं, तो हम क्या बता रहे हैं कि सिस्टम में 2 अलग अलग तरह के इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स के सेट प्रेजेंट है. इक्विवेलेंट वर्ड क्यों यूज किया, क्योंकि ये दोनों हाइड्रोजन आपस में इक्विवेलेंट एक सेट, ये तीनों हाइड्रोजन आपस में इक्विवेलेंट इनका एक सेट, तो टोटल कितने सेट, 2 सेट. सो नंबर ऑफ सिग्नल गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट नंबर ऑफ या सेट ऑफ इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स. तो ये अब आपको यहाँ पे क्लियर हो गया. अभी सिर्फ आप इसका इंट्रोडक्शन पार्ट सीखेंगे, देन वन बाय वन हम एक एक पैरामीटर को उठा के उस पर काम करेंगे, उसके बहुत सारे एग्जांपल्स करेंगे, जो भी हमारे पास क्वेश्चंस बनते हैं वो क्वेश्चंस भी करेंगे, ठीक है. इट्स जस्ट इंट्रोडक्शन पार्ट. अभी आप सिर्फ ये देख रहे हो कि कौन कौन से पैरामीटर्स हमें इंफॉर्मेशन क्या देते हैं. ऑलराइट, सो फर्स्ट हमारे पास यहाँ पे हो गया नंबर ऑफ सिग्नल, जिससे हमें पता चलता है दैट हाउ मेनी सेट ऑफ इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स आर प्रेजेंट. अब जो नेक्स्ट हमारे पास पैरामीटर है, दैट इज एरिया रेशियो, एंड इट गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन ईच सेट. यानी एक एक्स्ट्रा स्टेप की बात क्या हो रही है कि अभी हमें यह पता चला कि 2 अलग अलग सेट हमारे पास प्रेजेंट है, बट अभी हमें यह नहीं पता कि उन दोनों सेट में कितने प्रोटॉन्स प्रेजेंट हैं, या उन दोनों सिग्नल्स के लिए कितने कितने प्रोटॉन्स रिस्पॉन्सिबल हैं. तो अगर हमें ये इंफॉर्मेशन चाहिए, तो ये हमें कहां से मिलती है, एरिया रेशियो से. एरिया रेशियो हमें बताती है, जैसे सपोज आपके पास ये 2 सिग्नल हैं, इन दोनों सिग्नल की जो एरिया रेशियो, मैथमेटिकली जैसे एरिया कैलकुलेट करते हैं, वो रेशियो हमारे पास आती है 3:2, ठीक है. सपोज कर रहे हैं कि ऐसे 2 सिग्नल मिल गए, उसकी एरिया रेशियो आ गई 3:2. तो यहां से मैं क्या इंटरप्रेट कर सकती हूँ कि मेरे पास 3 हाइड्रोजन का एक सेट, 2 हाइड्रोजन का एक सेट, या फिर आगे और भी पॉसिबिलिटीज हो सकती है. क्लियरली जो एरिया रेशियो है सिग्नल की, वो अब हमें एक और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देती है, और वो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन क्या है कि हमारे पास जो 2 अलग अलग सिग्नल आए थे, उन दोनों अलग अलग सिग्नल में एक एक सिग्नल के पीछे कितने प्रोटॉन्स रिस्पॉन्सिबल हैं. अगर ये इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो ये इन्फॉर्मेशन मिलेगी हमें किससे, एरिया रेशियो से. ऑलराइट, तो सेकेंड पैरामीटर भी हमें क्लियर हो गया कि किस लिए इंपॉर्टेंट है. देन मूविंग टू नेक्स्ट पैरामीटर, एंड द नेक्स्ट पैरामीटर इज केमिकल शिफ्ट, विच इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. केमिकल शिफ्ट, ठीक है. केमिकल शिफ्ट को एक और नाम दिया जाता है, और वो एक और नाम है पोजिशन ऑफ सिग्नल्स, ठीक है. तो
केमिकल शिफ्ट या पोजीशन ऑफ सिग्नल्स का मतलब क्या है? दैट इट गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट, पहले तो हम यही लिखेंगे कि इससे हमें पता क्या चलता है. इट गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट नेचर ऑफ प्रोटॉन्स. इट गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट नेचर ऑफ प्रोटॉन्स, मतलब कि जो ये प्रोटॉन्स जिस कार्बन के साथ अटैच्ड है, ये प्रोटॉन्स जिस कार्बन के साथ अटैच्ड है उसका नेचर कैसा है. नेचर का मतलब कि आप केमिकल शिफ्ट की हेल्प से ये बता सकते हो कि वो प्रोटॉन sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन के साथ है या sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन के साथ है, या फिर ओलेफिनिक है या एरोमेटिक है या एल्डिहाइडिक है. कुछ भी, जिस भी टाइप के आपके पास हाइड्रोजन प्रेजेंट हो सकते हैं, उन सब की इंफॉर्मेशन अगर हमें कहीं मिलती है तो वो मिलती है केमिकल शिफ्ट से. सो केमिकल शिफ्ट गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट नेचर ऑफ प्रोटॉन्स, कि प्रोटॉन्स sp3 के साथ है, sp2 के साथ अटैच्ड है, ओलेफिनिक डबल बॉन्ड के साथ अटैच्ड है, एरोमेटिक बेंजीन या फिर और भी सिस्टम्स काफी एरोमेटिक रहते हैं उसके साथ अटैच्ड है, या एल्डिहाइडिक है या एसिडिक है, जिस भी टाइप के अलग अलग प्रोटॉन्स रहते हैं, अगर वो पता करना है कि किस टाइप के हैं, तो केमिकल शिफ्ट हमें एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन देती है. दैट्स व्हाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. पैरामीटर्स सारे ही काफी इंपॉर्टेंट है, नंबर ऑफ सिग्नल्स इंपॉर्टेंट है, केमिकल शिफ्ट इंपॉर्टेंट है, नेक्स्ट जो आने वाला है वो भी काफी इंपॉर्टेंट है. हर किसी की अपनी अपनी इंपॉर्टेंस है. तो जैसे यहां पे अगर देखा जाए तो इसकी जो केमिकल शिफ्ट की वैल्यू होगी वो मतलब क्या है. केमिकल शिफ्ट मतलब ये जो लाइन है ये एक स्केल पे रहती है, ठीक है. जीरो से स्टार्ट करते हैं हम लोग, ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे आपके पास स्केल रहती है. तो उस स्केल पे इस सिग्नल की पोजिशन क्या है, जैसे 7 ppm है और हमें पता है अपने डाटा से कि 6 to 8 ppm एरोमेटिक प्रोटॉन्स की वैल्यू रहती है. तो अगर 7 ppm पे कोई सिग्नल आया, 7 ppm पे कोई सिग्नल आया तो हम एकदम से हम क्या लिंक करेंगे कि 7 ppm मतलब एरोमेटिक वाला प्रोटॉन. तो हमारा जो मॉलिक्यूल है उस मॉलिक्यूल में एरोमेटिक प्रोटॉन होना चाहिए. ये चीजों को लिंक किया जाता है, जो नेचर है वो केमिकल शिफ्ट के साथ लिंक किया जाता है, ठीक है. ये भी डिटेल्ड में चलेगा, अभी जस्ट इंट्रोडक्शन पार्ट आपके पास हो रहा है. नेक्स्ट फोर्थ आपके पास जो पैरामीटर है वो है मल्टीप्लिसिटी. फोर्थ पैरामीटर है आपके पास मल्टीप्लिसिटी. अब मल्टीप्लिसिटी को हम एक और नाम से जानते हैं और वो एक और नाम है स्प्लिटिंग ऑफ सिग्नल्स. मल्टीप्लिसिटी को एक और नाम से जानते हैं और वो एक और नाम है स्प्लिटिंग ऑफ सिग्नल्स, ठीक है. तो इसमें अब क्या रहेगा कि इतना पता चल गया कि दो अलग अलग सेट है, इतना पता चल गया कि एक सेट में 3 प्रोटॉन एक सेट में 2 प्रोटॉन. उसके बाद ये भी पता चल गया कि एक एरोमेटिक है एक ओलेफिनिक है एक सेट, या एक sp3 वाला सेट है एक sp2 वाला सेट है. बट क्या ये पता चला कि sp3 के साथ बिल्कुल उसके नेबरिंग में कौन सा एटम प्रेजेंट है, कौन सा सेट प्रेजेंट है? नो. तो वो नेक्स्ट इंफॉर्मेशन हमें मिलेगी मल्टीप्लिसिटी से. सो मल्टीप्लिसिटी में लिखिएगा इट गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट नेबरिंग एनवायरमेंट. इट गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट नेबरिंग एनवायरमेंट. इट गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट नेबरिंग एनवायरमेंट और नेबरिंग मैग्नेटिक न्यूक्लियर और नेबरिंग मैग्नेटिक न्यूक्लियर. क्या कहना चाहते हैं कि जो स्प्लिटिंग होती है सिग्नल्स की, अभी मैंने आपको बताया था कि ये सिग्नल जो होंगे ये आपको स्ट्रेट कभी नहीं दिखेंगे, ये आपको ऐसे एक ही सिग्नल 3 लाइंस में, एक ही सिग्नल 4 लाइंस में, इस तरीके से स्प्लिट होता हुआ नजर आएगा, ठीक है. कुछ स्ट्रेट सिंगल लाइन भी नजर आएंगे बट ऐसी स्प्लिटिंग भी देखने को मिलेगी. तो
इस स्प्लिटिंग के पीछे वजह क्या होती है, किसी भी मैग्नेटिक न्यूक्लियाई, जैसे प्रोटॉन एनएमआर की बात कर रहे हैं, तो एक प्रोटॉन को अपने नेबर में कितने और मैग्नेटिक न्यूक्लियाई मिल रहे हैं और कितने नेबरिंग मैग्नेटिक न्यूक्लियाई मिल रहे हैं, उसका नेबरिंग एनवायरमेंट कैसा है, उस पर डिपेंड करती है ये मल्टीप्लिसिटी या स्प्लिटिंग ऑफ सिग्नल्स। तो स्प्लिटिंग ऑफ सिग्नल, जैसे हमारे पास चार लाइंस आई हैं, तो चार लाइंस से हमें कुछ इंफॉर्मेशन मिलती है कि उसके नेबर में किस तरीके के प्रोटॉन हैं, या तीन लाइंस आई हैं, तो तीन लाइन से पता चलता है कि उसके नेबर में किस टाइप के प्रोटॉन्स हैं। ये सारी इंफॉर्मेशन हमें कौन देगा, मल्टीप्लिसिटी। और मल्टीप्लिसिटी के बाद अब हमें यह भी पता चल गया कि अलग अलग फ्रेगमेंट को आपस में जोड़ना कैसे है, क्योंकि जब एक एटम के नेबर का पता चल जाएगा तो हम नेबर कर करके ऐसे जोड़ते जाएंगे तो मॉलिक्यूल जुड़ता जाएगा। बट इन केस अभी भी अगर कहीं पे हमें स्टीरियो केमिस्ट्री का नहीं पता चल रहा है, लाइक आपको ये पता चल गया कि ओलेफिनिक सिस्टम है, डबल बॉन्ड है, बट वो डबल बॉन्ड सिस है या ट्रांस है, ये इंफॉर्मेशन अभी तक हमें किसी भी पैरामीटर ने नहीं दी। तो इस इंफॉर्मेशन को जानने के लिए हमें इसके नेक्स्ट पैरामीटर पे मूव करना पड़ेगा, विच इज द लास्ट वन, कपलिंग कॉन्स्टेंट। कपलिंग कॉन्स्टेंट, ठीक है। तो ये जो कपलिंग कॉन्स्टेंट आपके पास लास्ट पैरामीटर है, इट गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट स्टीरियो केमिस्ट्री। यानी अब वो आपको ये भी बता देगा कि जो मॉलिक्यूल आपने अभी अभी डिजाइन किया, अभी अभी आपने सारे नेबरिंग वाले सिस्टम को एक साथ ऐड करके कुछ स्ट्रक्चर तैयार किया है इस डाटा से, उसमें अगर कहीं स्टीरियोकेमिस्ट्री है, सिस या ट्रांस होने के चांसेस हैं, तो वो सिस और ट्रांस हमें कपलिंग कॉन्स्टेंट से पता चल जाता है। और कपलिंग कॉन्स्टेंट होता क्या है, ये जो अभी आपके पास स्प्लिटिंग हुई सिग्नल, ये जो स्प्लिटिंग हुई है अभी सिग्नल्स की, इन स्प्लिटिंग में या इन सिग्नल्स में जो ये डिफरेंट लाइंस बनी है, इन डिफरेंट लाइंस के बीच के डिस्टेंस को ही हम कहते हैं कपलिंग कॉन्स्टेंट। क्या कहा, कि जो अभी स्प्लिटिंग हुई सिग्नल्स की, उन स्प्लिटिंग में, जैसे आपके पास सपोज यहीं पे मैं इसकी स्प्लिटिंग कर देती हूँ, ठीक है, आपको ऐसा कोई सिग्नल देखने को मिलता है, तो ये एक ही सिग्नल था जो तीन लाइंस में स्प्लिट हो चुका है। बट कपलिंग कॉन्स्टेंट क्या होता है, एक ही सिग्नल की दो अलग अलग लाइंस के बीच की सेपरेशन या बीच का डिस्टेंस। तो दो अलग अलग लाइंस जो सेम सिग्नल को बिलोंग करती हैं, उनके बीच के डिस्टेंस या सेपरेशन को हम कहते हैं कपलिंग कॉन्स्टेंट। और जो हमें इंफॉर्मेशन देता है किसके बारे में, स्टीरियोकेमिस्ट्री के बारे में, किसी भी मॉलिक्यूल की। तो इन सारे पैरामीटर्स को अगर आप कंबाइंड वे में देखो तो किसी भी डाटा को अब इंटरप्रेट करना बहुत आसान हो गया है। यहां से इंफॉर्मेशन लेते हुए हम किसी भी मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर को डिजाइन कर सकते हैं। पहले नंबर ऑफ सिग्नल्स देखेंगे, मतलब अलग अलग कितने टाइप के प्रोटॉन्स का सेट प्रेजेंट है। देन एरिया रेशियो देखेंगे, हर सेट के अंडर कितने प्रोटॉन्स प्रेजेंट है। देन केमिकल शिफ्ट, उसकी पोजीशन देखेंगे, उससे पता करेंगे कि जो हमारे पास सेट बने हैं वो sp3 है, sp2 है, एरोमेटिक है, किस टाइप का है उसका नेचर। जब ये पता चल गया फिर मल्टीप्लिसिटी देखेंगे, मल्टीप्लिसिटी यानी स्प्लिटिंग ऑफ सिग्नल, उससे क्या इन्फॉर्मेशन मिलेगी कि जो इस न्यूक्लियाई की हम बात कर रहे हैं, जिसका एनएमआर हम स्टडी कर रहे हैं, उसके नेबर में किस तरीके के मैग्नेटिक न्यूक्लियाई प्रेजेंट है, ठीक है। जब उसके नेबर का भी पता चल गया तब तो सारे फ्रेगमेंट्स को अब हम एक साथ ज्वाइन कर सकते हैं, एक स्ट्रक्चर रेडी हो गया। बट इन केस कहीं हमें स्टीरियोकेमिस्ट्री के बारे में पता नहीं चला कि वो सिस है या ट्रांस है, तो उसके लिए हम हेल्प लेंगे कपलिंग कॉन्स्टेंट की। और कपलिंग कॉन्स्टेंट क्या होता है, एक ही सिग्नल की जो डिफरेंट स्पाइक्स या लाइंस बन के आई हैं, उन लाइंस के बीच का सेपरेशन या फिर डिस्टेंस कहलाता है कपलिंग कॉन्स्टेंट। और उसकी हेल्प से हमें पता चलती है यहाँ पे कंप्लीट किसी भी मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर की इंफॉर्मेशन, ठीक है। सो ये सारे पैरामीटर्स अब हम वन बाय वन डिटेल में पढ़ेंगे, क्योंकि इसमें से क्वेश्चन आपको डायरेक्ट आ जाता है इन पैरामीटर्स से, ओके। सो आफ्टर नोइंग अबाउट द पैरामीटर्स फॉर एनी एनएमआर और 1H NMR, वी आर मूविंग फॉर अ क्वेश्चन विच वॉज आस्क्ड इन प्रीवियस ईयर, राइट। सो क्वेश्चन वॉज लाइक, प्रोटोन एनएमआर स्पेक्ट्रम ऑफ अ मॉलिक्यूल गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट, ओके।
ऑप्शंस है आपके पास, नंबर ऑफ पीक्स, पोजीशन ऑफ पीक्स, इंटेंसिटीज ऑफ पीक्स एंड ऑल। तो आई गेस अब आप लोगों के लिए क्वेश्चन 2 सेकंड का भी नहीं है, क्योंकि आप लोग पढ़ चुके हो कि प्रोटॉन एनएमआर स्पेक्ट्रम किसी भी मॉलिक्यूल का अगर आपको मिलता है तो उससे आपको क्या क्या इंफॉर्मेशन मिलती है। अभी आपने पढ़ा नंबर ऑफ पीक्स, यस नंबर ऑफ सिग्नल्स इंफॉर्मेशन मिलती है। देन पोजिशन ऑफ पीक्स, यस केमिकल शिफ्ट, जो केमिकल शिफ्ट है वो पोजिशन के बारे में बताता है, यस। इंटेंसिटी ऑफ पीक्स, यस जो मल्टीप्लिसिटी है, मल्टीप्लिसिटी के साथ इंटेंसिटी वाला भी फैक्टर कंबाइन होता है कि हमारे पास कितना इंटेंस सिग्नल आ रहा है, क्यों आ रहा है। तो इंटेंसिटी ऑफ पीक्स की इंफॉर्मेशन भी हमें एनएमआर स्पेक्ट्रम से मिलती है। एंड द लास्ट ऑप्शन इज ऑल, दैट्स व्हाई व्हिच इज द करेक्ट ऑप्शन, डी ऑप्शन इज द करेक्ट, ऑल। एनएमआर स्पेक्ट्रम में हमें इन सब की इंफॉर्मेशन मिलती है। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, जस्ट आपके पास पैरामीटर्स का अगर इंट्रोडक्शन पार्ट पता है तो आप इस क्वेश्चन को आसानी से कर सकते थे, ठीक है। चलो अब हम मूव करते हैं अपने सारे पैरामीटर्स पे वन बाय वन, जिसमें सबसे पहले हम हेडिंग देंगे कौन सी, नंबर ऑफ सिग्नल और नंबर ऑफ पीक्स, नंबर ऑफ सिग्नल्स और नंबर ऑफ पीक्स, ठीक है। ये हमारे पास फर्स्ट पैरामीटर है। इस फर्स्ट पैरामीटर के बारे में अब हम स्टडी करेंगे कि सिग्नल्स किस तरीके से कैलकुलेट किए जाते हैं या पीक्स किस तरीके से कैलकुलेट की जाती है। बिकॉज दो तरीके से आप पढ़ सकते हो, यहाँ पे आपको मॉलिक्यूल दिया है और उससे कह रहे हैं कि नंबर ऑफ सिग्नल कैलकुलेट करो, मल्टीप्लिसिटी कैलकुलेट करो, एक ये पार्ट रहेगा। दूसरा पार्ट आपके पास ये है कि आपको डाटा दिया है और डाटा से पूछा जा रहा है कि अब आपको इसमें बताना है कि कितने सिग्नल नजर आ रहे हैं, कितनी मल्टीप्लिसिटी नजर आ रही है, कितनी इंटेंसिटी नजर आ रही है। तो दो तरीके से, मॉलिक्यूल दिया फिर आपसे डाटा बनवाया, या डाटा दिया उससे मॉलिक्यूल बनवाया, ठीक है। तो हम दोनों ही तरीके से साथ साथ देखते जाएंगे। नंबर ऑफ सिग्नल्स में जैसे आपको ऑलरेडी बता दिया गया है, इट गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट हाउ मेनी सेट ऑफ इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स आर प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल, किसी भी मॉलिक्यूल में कितने इक्विवेलेंट सेट ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट हैं, ये इंफॉर्मेशन हमें मिलती है नंबर ऑफ सिग्नल से। बट क्वेश्चन बनता है हाउ टू कैलकुलेट और हाउ टू आइडेंटिफाई, कि हमें पता कैसे चलेगा कि कोई मॉलिक्यूल दिया है उसमें हमारे पास कितने सिग्नल्स प्रेजेंट हैं। तो इसके लिए हमारे पास जो सबसे ज्यादा यूज्ड मेथड है वो दो मेथड हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। पहला मेथड हमारे पास है केमिकल एनवायरमेंट बेस्ड मेथड, केमिकल एनवायरमेंट बेस्ड मेथड, ठीक है जी। और दूसरा आपके पास है यहां पे सिमेट्री मेथड। तो हम दोनों ही मेथड्स को स्टडी करेंगे, ऐसा नहीं है कि आपको दोनों से ही आंसर करना है, आप जिस जो सुटेबल आपको लग रहा है, जो इजी लग रहा है, आप उससे आंसर कर सकते हो। हाँ, कभी किसी एक मेथड से आपको कोई कंफ्यूजन क्रिएट हो गया तो दूसरे मेथड को भी आप क्रॉस चेक करने के लिए यूज कर सकते हो, राइट। तो सबसे पहले हम बात करेंगे यहां पे केमिकल एनवायरमेंट बेस्ड मेथड की, कि ये मेथड क्या होता है। इट डिपेंड्स अपॉन जस्ट बॉन्डिंग पैटर्न एंड स्पेशियल एनवायरमेंट। स्पेशियल एनवायरमेंट का मतलब है कि उसके आसपास का एनवायरमेंट कैसा है। जैसे कोई एटम एक अप है तो उसके अप में भी सेम एटम है, डाउन में जो है तो दूसरी तरफ डाउन में भी सेम एटम है। तो ये स्पेस की बात और कर रहे हैं, क्योंकि दो एटम अगर दूर दूर है तो उनका आपस में तो कोई लिंक नहीं है, बट वो स्पेस में तो पास में है, तो वो स्पेशियल एनवायरमेंट प्लस बॉन्डिंग। बॉन्डिंग का तो समझ आता है कि किसकी डायरेक्ट बॉन्डिंग है किसकी नहीं है। तो बॉन्डिंग और स्पेशियल एनवायरमेंट देखते हुए हम यहाँ पे केमिकल एनवायरमेंट बेस्ड मेथड की बात करते हैं। और इसमें हमारे पास क्या रिजल्ट आता है, इसमें रिजल्ट आता है दो टाइप के प्रोटॉन्स का। या तो आपको मिलेंगे इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स या फिर आपको मिलेंगे नॉन इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स। इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स का मतलब, जैसे अभी आपको बताया था एक एग्जांपल CH3CH2Cl, तो उसमें जो CH2 वाले दो हाइड्रोजन थे वो आपस में इक्विवेलेंट थे, तो जो इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स थे उनका सेम सिग्नल, जो इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स है उनका सेम सिग्नल, जो नॉन इक्विवेलेंट
प्रोटॉन्स हैं जो आपस में सेम नहीं है, उनका डिफरेंट सिग्नल। तो ये हमारे पास यहाँ पे कंसेप्ट है किसका, केमिकल एनवायरनमेंट बेस्ड का। जैसे अभी आपको इस एग्जांपल को मैं करवा देती हूँ, फिर हम सिमेट्री मेथड पे आते हैं, ठीक है। ये आपके पास कोई मॉलिक्यूल है CH3, CH2, CH3। अब इस मॉलिक्यूल में हमें जो बॉन्डिंग एनवायरनमेंट के बेसिस पे नजर आ रहा है, ये दो प्रोटॉन्स सिस्टम में आपस में एक जैसे हैं, बट बाकी किसी के साथ मैच नहीं करते। और ये जो CH3 दोनों हैं, ये आपस में सेम हैं, लेकिन बाकी किसी और के साथ मैच नहीं करते। तो ओवरऑल अगर मैं देखूं तो मेरे पास इन दो प्रोटॉन्स का एक सेट और 6 प्रोटॉन जो यहां पे प्रेजेंट है, 6 प्रोटॉन्स इनका एक सेट। क्या कहा मैंने, जो दो प्रोटॉन है इनका एक सेट और ये 6 प्रोटॉन का एक सेट, मतलब कितने सिग्नल आएंगे, 2 सिग्नल्स। बट ये मुझे कैसे पता चला इस मॉलिक्यूल के कितने सिग्नल आएंगे, 2 सिग्नल्स। कैसे पता चला, बिकॉज आप देखो ये जो CH2 है इसमें अगर एक हाइड्रोजन इस कार्बन के साथ अटैच्ड है तो दूसरा हाइड्रोजन भी तो सेम ही कार्बन के साथ अटैच्ड है, तो दोनों का बॉन्डिंग पैटर्न सेम। इसके बाद इस कार्बन को यहां बाहर एक साइड CH3 मिल रहा है, दूसरी तरफ भी CH3 मिल रहा है, तो दोनों के दोनों हाइड्रोजन का बॉन्डिंग पैटर्न आपस में सेम है, दैट्स व्हाई इन दोनों का सिग्नल एक। जबकि जो आपके पास मिथाइल वाले ग्रुप्स हैं, ये जो दो मिथाइल वाले ग्रुप्स हैं, इसके हर एक हाइड्रोजन को जैसा एनवायरनमेंट यहां मिल रहा है, एग्जैक्टली यहां के भी हर हाइड्रोजन को वैसा ही एनवायरनमेंट मिल रहा है, वैसे ही बॉन्डिंग है, सेम कार्बन के साथ अटैच्ड है। तो इस हिसाब से ये CH3 वालों का बन गया हमारे पास एक सेट, जिसके लिए 6 प्रोटॉन जिम्मेदार है, मतलब 6 के 6 प्रोटॉन एक जैसे हैं, इसलिए 6 के 6 प्रोटॉन का आएगा एक सिग्नल। और रह गए 2 प्रोटॉन, तो बाकी के 2 प्रोटॉन आपस में एक जैसे हैं, इसलिए इनका भी आएगा एक सिग्नल। सो ओवरऑल इस मॉलिक्यूल में अगर मैं केमिकल एनवायरनमेंट के बेसिस पे देखूं तो मेरे पास कितने सिग्नल्स बनते हैं, 2 सिग्नल्स। और इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो भी गया, ठीक है। जरूरी नहीं कि आपको दूसरा मेथड पता ही होना चाहिए, बिकॉज ये जो सिमेट्री मेथड है, इस मेथड के लिए हमें कुछ एक्स्ट्रा एलिमेंट्स का नॉलेज होना जरूरी है, सिमेट्री एलिमेंट्स हम जिन्हें कहते हैं, या आप कह सकते हो कि जो इमेजिनेशन है, स्टीरियोकेमिस्ट्री है, उस सब के बारे में हमें यहाँ पे पता होना चाहिए, तब हम इस मेथड को अप्लाई कर सकते हैं। और साथ में ये सिमेट्री मेथड आपको हर मॉलिक्यूल में आंसर दे देगा एग्जैक्ट, ये भी जरूरी नहीं है। 90% ऑफ द मॉलिक्यूल जो है वो सिमेट्री मेथड से हमें आंसर कर देते हैं कि कितने सिग्नल्स होने चाहिए, बट सारे के सारे मॉलिक्यूल्स में सिमेट्री मेथड एप्लीकेबल नहीं होता है। बट ये जो केमिकल एनवायरनमेंट बेस्ड मेथड है, ये ऑलमोस्ट सब मॉलिक्यूल्स में एप्लीकेबल है, ठीक है। तो ये फर्स्ट बात होगी केमिकल एनवायरनमेंट मेथड की, ये चीज आपको अब समझ आ गई होगी। एग्जाम्पल्स दूंगी तब आपकी और अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी। मूव करते हैं सिमेट्री मेथड पे, एक बार मेथड सीख लेते हैं देन एग्जाम्पल्स करेंगे, ठीक है। सो नेक्स्ट अब जो हम बात कर रहे हैं वो हमारे पास क्या है, सिमेट्री मेथड। देखिए सिमेट्री मेथड में सिमेट्री वर्ड का मतलब क्या होता है, पहले तो ये चीज समझो, तभी आप इस मेथड के बाकी एलिमेंट्स और बाकी जो भी हमारे पास कंडीशंस है उनको समझ पाओगे। तो ये है सिमेट्री मेथड। देखो सिमेट्री वर्ड का मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास इन 3 डायमेंशन, ठीक है। और इससे डिस्ट्रीब्यूशन भी कैसा, इक्वल। जब सिमेट्री वर्ड हम सुनते हैं तो सिमेट्री वर्ड का दिमाग में यही कंसेप्ट आता है कि सब तरफ चीजें बराबर, ठीक है। तो सब तरफ चीजें बराबर का मतलब क्या है कि कोई भी मॉलिक्यूल है, उस मॉलिक्यूल का जो मास है वो तीनों की तीनों डायमेंशन में अगर इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो हम कहते हैं कि मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल है। और अगर वो तीनों डायमेंशन में एक्स वाई जेड
तीनों डायमेंशन में उसका मास इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, तो फिर हम क्या कहते हैं कि वो मॉलिक्यूल हमारे पास सिमेट्रिकल नहीं है। जैसे बहुत सिंपल से एग्जांपल आपको मैं यहां पे दे सकती हूं, जैसे ये एक हमारे पास बॉक्स है, ठीक है, ये हमारे पास एक चौक का बॉक्स है। इस मॉलिक्यूल को अगर मैं बिल्कुल ऐसे हाफ से डिवाइड करूं, ठीक है, इस तरीके से नाइफ से डिवाइड करूं, तो मेरे पास दो इक्वल हाफ्स क्रिएट होंगे, राइट। तो मैं कह सकती हूँ कि इस मॉलिक्यूल में सिमेट्री प्रेजेंट है। अब किस टाइप की सिमेट्री प्रेजेंट है वो बात की बात है, बट अगर मैं इस मॉलिक्यूल को यहां से डिवाइड कर रही हूं तो इस डायरेक्शन में और इस डायरेक्शन में इसके मास का बिल्कुल इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है, तो इस एटम में सिमेट्री प्रेजेंट है। तो यही मैं बताना चाह रही हूं कि ये सिमेट्री वर्ड का मतलब होता है कि हम किसी भी तरीके से, कोई बॉल है, ठीक है, उस बॉल को आप किसी भी तरीके से कट करो, वो आपको सब जगह बिल्कुल इक्वल नजर आ रहा है, उसका मास इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो मैं कहूंगी कि वो मॉलिक्यूल या वो बॉल सिमेट्रिकल है। बट इस सिमेट्रिकल चीज को देखने के लिए हमें कुछ एलिमेंट्स की जरूरत पड़ती है, और वो जो एलिमेंट्स हैं जो यहाँ पे यूटिलाइज होंगे, वैसे तो आपके पास एलिमेंट्स बहुत सारे हैं, ठीक है, सिमेट्री एलिमेंट्स, पर जिन एलिमेंट्स की हमें यहाँ पे जरूरत पड़ेगी वो दो एलिमेंट्स हमारे पास यहाँ पे रहेंगे। वो एलिमेंट्स क्या क्या है देखिए, फर्स्ट जो आपके पास एलिमेंट है यहाँ पे वो है एक्सिस ऑफ सिमेट्री, एंड द अनदर वन इज प्लेन ऑफ सिमेट्री। अब ये जो मैं एलिमेंट्स की बात करने वाली हूं, सिमेट्री एलिमेंट्स की बात करने वाली हूं, ये सारे के सारे आपकी इमेजिनेशन पे डिपेंड करते हैं, बिकॉज ऐसा एक्चुअली होता नहीं है। ये एक्सिस इमेजिनरी है, ये प्लेन इमेजिनरी है, तो ये हमें इमेजिन करके ही चलना पड़ता है कि जो मॉलिक्यूल हमें नजर आ रहा है उसमें ये एक्सिस है या नहीं, प्लेन है या नहीं। सो एक्सिस ऑफ सिमेट्री से क्या मतलब है वो देखिए, जैसे आपके पास हम इस वक्त अगर फिक्स क्या करते कि ये जो आपको अभी व्हाइट बोर्ड नजर आ रहा है इसके लिए ये एक्स एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है, और जो आप लोगों की तरफ है लाइक दिस टूवर्ड्स द ऑब्जर्वर, वो हमारे पास कौन सी एक्सिस है, वाई एक्सिस, कॉन्स्टेंट कर दिया। तो अब ये जो एक्सिस है इस किसी भी एक्सिस को हमने किसी मॉलिक्यूल में इमेजिनेशन के साथ पास करना है। इमेजिनेशन के साथ पास करते हुए एक्सिस को आप किसी स्टिक की तरह, कोई एक पतली सी छड़ी है, कोई बहुत छोटी सी स्टिक की तरह इमेजिन कर सकते हो, किसी मॉलिक्यूल में हमने उस इमेजिनरी स्टिक को पास करना है, उस स्टिक को हमने पास करते हुए उस मॉलिक्यूल को रोटेट करना है। अब रोटेशन के लिए आपके पास काफी एंगल्स रहते हैं, आप 180 डिग्री से भी करते हो रोटेशन, 120 डिग्री से भी करते हो, 90 डिग्री से भी करते हो, ठीक है, रोटेशन का हर एंगल रहता है। क्या कहा, किसी भी मॉलिक्यूल में एक इमेजिनरी स्टिक पास करते हुए आपने उस मॉलिक्यूल को उस स्टिक की हेल्प से रोटेट करना है। जब आप उसको रोटेट करोगे किसी स्पेसिफिक एंगल पे तो उन एक्सिस के नाम दिए गए हैं। जब आप 180 डिग्री पे रोटेट करते हो तो कहा गया है C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री, जब आप 120 पे करते हो तब कहा गया है C3 एक्सिस ऑफ सिमेट्री, जब आप 90 डिग्री पे करते हो तब कहा गया है C4 एक्सिस ऑफ सिमेट्री। और ये किसी ने भी अपनी मर्जी से नाम नहीं दिए है, इसके पीछे वजह है। वजह क्या है कि आपके पास टोटल एंगल कितना होता है, 360 डिग्री, तो उस 360 डिग्री को अगर मैं 2 से डिवाइड करूं तो कितना आएगा 180, 360 को अगर मैं 3 से डिवाइड करूं तो कितना आएगा 120, 360 को अगर मैं 4 से डिवाइड करूं तो कितना आएगा 90। दैट्स व्हाई जहां पे 90 डिग्री की रोटेशन वो C4 एक्सिस, जहां पे 120 डिग्री की रोटेशन वो C3 एक्सिस, जहां पे 180 की रोटेशन वो आपके पास C2 एक्सिस। तो उसी बेसिस पे हमने ये नाम दिए हैं, ठीक है, कुछ भी बेवजह नहीं है। अब ये जो नाम दिए हैं ये एक्सिस करा के हमने करना क्या है, हमने क्या करना है कि इन केस ये आपके पास मॉलिक्यूल है और इस मॉलिक्यूल की मैं जेड एक्सिस टॉप पे, यही बताइए, फिक्स करिए,
इस मॉलिक्यूल की जेड एक्सिस के थ्रू इसे मैं 180 रोटेट करती हूँ। क्या करूंगी मैं मॉलिक्यूल को, जब जेड एक्सिस से रोटेशन करोगे तो ऐसे ही जाएगी आपकी रोटेशन। तो अब ये इमेजिन करो ना कि ये स्टिक बिल्कुल इस मॉलिक्यूल के बीचों बीच है, तो जब मैं स्टिक को रोटेट करूंगी तो ये मॉलिक्यूल भी रोटेट होगा, ठीक है। तो अब मैं इसे कितने की रोटेशन दे रही हूँ, 180 की रोटेशन। तो जैसे ही इस मॉलिक्यूल को मैंने रोटेट किया 180 पे, तो जेड एक्सिस पे क्या होता है 180 रोटेशन पे, कि जो आपके लिए फ्रंट होता है वो बैक हो जाएगा, जो बैक था वो अब आप लोगों के लिए फ्रंट हो जाएगा। इस मॉलिक्यूल में देखो जेड एक्सिस के थ्रू मैंने रोटेट किया, तो जो पार्ट अभी आप लोगों के लिए फ्रंट है, जैसे ही मैं 180 रोटेशन कराऊंगी स्टिक के साथ, अब जो बैक था वो आपके लिए फ्रंट हो गया, जो फ्रंट था वो अब आप लोगों के लिए बैक हो गया है, ठीक है। बट ऐसा करने पे रोटेशन करने पे जैसा मॉलिक्यूल आपको पहले नजर आ रहा था, आफ्टर रोटेशन भी वैसा ही नजर आ रहा है, दैट्स द क्वेश्चन। क्या कहा कि आपको मॉलिक्यूल जैसा पहले नजर आ रहा था आफ्टर रोटेशन भी क्या वैसा ही नजर आ रहा है? अगर वैसा ही नजर आ रहा है, इट मींस मॉलिक्यूल में C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। इट मींस मॉलिक्यूल में C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। क्या कहा कि आफ्टर पासिंग दैट इमेजिनरी एक्सिस थ्रू आउट द मॉलिक्यूल, इफ वी गेट द ऑरिएंटेशन ऑफ द मॉलिक्यूल एग्जैक्टली एज सेम एज बिफोर रोटेटिंग दैट मॉलिक्यूल, दैट मीन द मॉलिक्यूल इज हैविंग C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री। सेम चीज C3 पे, तब 120 पे रोटेट करना है। 120 पे रोटेट किया और मॉलिक्यूल बिल्कुल वैसे ही नजर आ रहा है जैसा रोटेशन से पहले था, मतलब C3 एक्सिस भी है। इसी मॉलिक्यूल को जस्ट 90 डिग्री पे रोटेट किया, 90 डिग्री पे रोटेट करने पे वो बिल्कुल वैसा ही नजर आ रहा है जैसा रोटेशन से पहले था, तो हम कहेंगे कि उसमें C4 एक्सिस प्रेजेंट है। तो ये एक्सिस ऑफ सिमेट्री की कहानी है कि कोई इमेजिनरी स्टिक, जैसे आपके पास एप्पल है मान के चल लो, तो उसके बिल्कुल सेंटर में हमने एक स्टिक पास कर दी जो पूरे एप्पल से नीचे तक पहुंच गई। अब हम उस स्टिक के थ्रू उस एप्पल को रोटेट करेंगे, ठीक है। तो जैसा एप्पल आपको पहले दिख रहा था आफ्टर 180 डिग्री रोटेशन भी वैसे ही नजर आ रहा है, तो मैं कहूंगी कि उस मॉलिक्यूल में C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। और रही बात यहां की सिमेट्री मेथड की, तो सिमेट्री मेथड में आपका क्वेश्चन जो है वो C2 एक्सिस से ही सॉल्व हो जाता है, आपको C3 या C4 देखने की जरूरत पड़ती नहीं है। तो आपने सिर्फ 180 की रोटेशन पे फोकस करना है कि 180 की रोटेशन अगर हम Z से करवाते हैं तो ऐसे होगी, ठीक है, फ्रंट वाला बैक में, बैक वाला फ्रंट में। अगर हम X एक्सिस से करवाते हैं तो Z X एक्सिस से रोटेशन ऐसे होगी, तो ये चीजें ऐसे जाएंगी। जो चीज आपके लिए टॉप थी अब वो आपकी बॉटम में, जो बॉटम थी वो टॉप में, ये होगी X एक्सिस से। और जब बात होती है Y एक्सिस से, तो Y एक्सिस से इस तरीके की रोटेशन, Y एक्सिस में इस तरीके की रोटेशन, ठीक है। तो क्या पता चला कि अगर Z एक्सिस की रोटेशन है तो ऐसे, Z एक्सिस की रोटेशन ऐसे, अगर X एक्सिस की है तो ऐसे, ठीक है, ऐसे, और अगर Y एक्सिस की है तो ऐसे। ये 180 की रोटेशन आपको करनी है। तो तीनों में से कोई भी 180 की रोटेशन आप लोग देख सकते हो। इस चीज को और अच्छे से समझने के लिए आप कोई भी मॉलिक्यूल, जैसे मैंने एप्पल का एग्जांपल दे दिया, आपके आसपास कुछ भी पड़ा हुआ है उसमें एक पतली सी स्टिक पास करते हो, उसको रोटेट करो, आप खुद ऑब्जर्व कर सकते हो कि बिफोर रोटेशन एंड आफ्टर रोटेशन क्या सेम है। सेम है तो एक्सिस ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, सेम नहीं है तो एक्सिस ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट नहीं है। ये फर्स्ट एलिमेंट है। उसके बाद जो सेकेंड एलिमेंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है वो है प्लेन ऑफ सिमेट्री। अब प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या है कि आपके पास, जैसे इसी मॉलिक्यूल को मैं लेती हूं, ठीक है, तो इस मॉलिक्यूल को मैं कौन सा ऐसा प्लेन पास करूं। प्लेन को आप लोग कोई इमेजिनरी पेपर या नाइफ की तरह सोच सकते हो, कि कोई एक नाइफ है या कोई इमेजिनरी पेपर है जिसे आपने मॉलिक्यूल में कैसे भी पास करना है, कैसे भी, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, डायगोनल, जैसे भी पॉसिबल है। बट वो मॉलिक्यूल जब आपने वो प्लेन पास कर दिया तो 2 equal halves में डिवाइड होना चाहिए। 2 equal halves में डिवाइड होने का मतलब कि आपके पास सपोज ऐसे ये कोई मॉलिक्यूल है, ठीक है, तो इस मॉलिक्यूल में मैं क्या करूंगी, यहां से अगर मैं डिवाइड करती हूं तो मुझे 2 equal parts मिलेंगे,
इसी मॉलिक्यूल को अगर मैं, ये स्क्वायर है ना, तो फिर सब चीजें सब तरफ बराबर है, अगर मैं यहां से प्लेन पास करती हूँ तब टू इक्वल हाफ्स मिलेंगे। अगर इस मॉलिक्यूल में मैं डायगनल तरीके से, ये स्क्वायर वाला कोई मॉलिक्यूल है, ऐसे ब्रेक करूं तब टू इक्वल हाफ्स मिलेंगे। अगर मैं इस मॉलिक्यूल को इस तरीके से ब्रेक करूं तब मुझे टू इक्वल हाफ्स मिलेंगे। तो मेरे पास एक ही मॉलिक्यूल में नंबर ऑफ प्लेन ऑफ सिमेट्रीज प्रेजेंट हो सकती है, वो आपको सिर्फ एक की बात कर रहा है कि अगर मिनिमम एक भी प्रेजेंट हो गई तब हम क्या करेंगे। ठीक है, तो अब आपके लिए किसी भी मॉलिक्यूल में जितने भी प्लेन ऑफ सिमेट्रीज है वो देखना बहुत ईजी हो चुका है, क्योंकि ये एक इमेजिनरी प्लेन आपके लिए है। प्लेन का मतलब कि कोई भी नाइफ, कोई भी पेपर जो आपने किसी मॉलिक्यूल में किसी भी एंगल से ऐसे पास करना है कि वो मॉलिक्यूल टू इक्वल हाफ्स में डिवाइड हो जाए। लाइक दिस बॉक्स, इस बॉक्स को मैं ऐसे ऐसे अगर कट करती हूं तो मुझे दो इक्वल हाफ्स यहाँ पे मिल जाएंगे। इस मॉलिक्यूल को मैं बिल्कुल, आप ऐसे देखो, ये जो जितना पार्ट है इसके बीचों बीच अगर मैं ऐसे नाइफ पास करती हूँ तो जो अप वाला पार्ट होगा और जो डाउन वाला पार्ट होगा वो भी इक्वल हाफ्स में डिवाइड होगा। बट मैं ऐसे अगर कोशिश करूं तो मेरे पास तब भी ये दो इक्वल हाफ्स में डिवाइड हो सकता है। मतलब किसी भी एंगल से ले लो, डायगनल है आपके पास, हॉरिजॉन्टल है, वर्टिकल है, बस मॉलिक्यूल टू इक्वल हाफ्स में डिवाइड होना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो हम कहते हैं कि मॉलिक्यूल में प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। सो आई होप अब आपको सिमेट्री मेथड के लिए जो एलिमेंट्स यूज होने वाले हैं वो समझ आ गए हैं कि एक्सिस ऑफ सिमेट्री कब प्रेजेंट होती है, जब बिफोर ओरिएंटेशन एंड आफ्टर ओरिएंटेशन मॉलिक्यूल सेम नजर आए, एंड प्लेन ऑफ सिमेट्री कब होती है, जब उस इमेजिनरी प्लेन को पास करते हुए मॉलिक्यूल टू इक्वल हाफ्स में डिवाइड हो जाए। ठीक है, अब इन सिमेट्री एलिमेंट्स का जो सिमेट्री मेथड है उसके साथ क्या लिंक है वो देखिए। ठीक है, तो ये क्या कहना चाहता है सिमेट्री मेथड कि व्हेन, पहले तो ये लिखिए कि सिमेट्री मेथड का सबसे ज्यादा यूटिलाइजेशन होता कहां पे है। तो नोट आपके पास एक रहेगा कि इफ देयर इज डिफिकल्टी, इफ देयर इज डिफिकल्टी इन फाइंडिंग, इफ देयर इज डिफिकल्टी इन फाइंडिंग नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, इफ देयर इज डिफिकल्टी इन फाइंडिंग नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, सॉरी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स नहीं, नंबर ऑफ सिग्नल्स अमंग टू प्रोटॉन्स, अमंग टू प्रोटॉन्स, देन दिस मेथड कैन बी फॉलोड, देन दिस मेथड कैन बी फॉलोड। क्या कहना चाहती हूं कि हमारे पास ये जो सिमेट्री मेथड है ये कब एप्लीकेबल है सबसे ज्यादा, वैसे तो कभी भी कर लो, बट जब दो प्रोटॉन्स के बीच कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है कि इन दोनों का सेम आएगा या डिफरेंट, तो उस वक्त सिमेट्री मेथड बहुत अच्छे से हेल्प करता है। तो क्या लिखा, इफ देयर इज डिफिकल्टी इन फाइंडिंग नंबर ऑफ सिग्नल अमंग टू प्रोटॉन्स, याद रखिएगा इस बात को, दो प्रोटॉन्स में जब कंफ्यूजन है तब हम इस मेथड को यूज कर सकते हैं। करना क्या है हमें, हमें सबसे पहले यहां पे पास करनी है एक्सिस ऑफ सिमेट्री बिटवीन बिटवीन दोज टू प्रोटॉन्स, बिटवीन दोज टू प्रोटॉन्स, यानी हमें यहां पे क्या करना है कि एक्सिस ऑफ सिमेट्री, लाइक आपके पास सपोज यहां पे ये दो H है, ठीक है, और इन दोनों H के लिए पूछा जा रहा है कि इन दोनों H का बताओ सेम सिग्नल है या डिफरेंट, और आपको कंफ्यूजन हो रहा है, नहीं समझ आ रहा है, तो मैं इन दोनों प्रोटॉन के बिल्कुल बीचों बीच, इन दोनों प्रोटॉन ये पहले प्रेजेंट कैसे ये पता होना चाहिए, वेज रिप्रेजेंटेशन है, इफ यू आर द ऑब्जर्वर देन दिस काइंड ऑफ दीज टू प्रोटॉन्स आर प्रेजेंट, जिस हाथ में मेरे मार्कर है वो सॉलिड में दिखाया है आपको, डार्क करके दिखाया है टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर, जिसका मतलब होता है, और जो ब्रोकन करके दिखाया इट इज अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर। ठीक है, एक्चुअल में ऐसे ही ऑरिएंटेशन रहती है, जो चीज आपके लिए टुवर्ड्स, अवे, और बाकी के दो आपके पास ऑन द प्लेन। ठीक है, स्टीरियो केमिस्ट्री का पार्ट है, डिटेल्ड स्टीरियो में जाएगी, अभी जितना रिक्वायर्ड है वो आप देखिए। तो जब हम यहां पे इन दोनों प्रोटॉन्स के बीच में, समझ रहे हो ना ये सेंटर वाला पार्ट, इन दोनों प्रोटॉन्स के बीच में सी टू एक्सिस पास करते हैं, 180 रोटेट करते हैं, तो आपको क्या समझ आ रहा है, आपने यहां पे इसको रोटेट किया,
तो जैसे ही मैं z एक्सिस पे रोटेट करूंगी, जो प्रोटोन आपके लिए फ्रंट था वो अब बैक हो जाएगा, जो आपके लिए बैक था वो अब क्या हो चुका है, फ्रंट हो चुका है। बट ऐसा करने पे, हमने इसको 180 रोटेट कर दिया, बट ऐसा करने पे मुझे ये बताओ कि क्या मॉलिक्यूल में कोई फर्क आया? नहीं, नहीं आया। पहले भी दो मिथाइल थे, दो हाइड्रोजन, एक टूवर्ड्स एक अवे। अभी भी दो मिथाइल है, दो हाइड्रोजन, एक टूवर्ड्स एक अवे। यानी आफ्टर रोटेशन भी मेरे पास मॉलिक्यूल में कोई डिफरेंस नहीं आया, कोई डिफरेंस नहीं आया। यानी ये दोनों हमें कैसे नजर आ रहे हैं, सेम। तो मैं क्या कहूंगी कि इसमें सी टू एक्सिस ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। और अगर सी टू एक्सिस ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, इट मीन्स इन दोनों प्रोटॉन्स का आपस में नेचर है होमोटॉपिक। ठीक है, अगर सी टू एक्सिस प्रेजेंट है तब आपके पास वो प्रोटॉन्स कैसे हैं, होमोटॉपिक प्रोटॉन्स। और होमोटॉपिक प्रोटॉन्स का सेम सिग्नल आता है, होमोटॉपिक प्रोटॉन्स का सेम सिग्नल आता है। यानी जब कंफ्यूजन हो कि इन दोनों का सेम आएगा या डिफरेंट, तो उसके लिए मैंने आपको यहां पे बताया कि सबसे पहले क्या करो, एक्सिस ऑफ सिमेट्री पास करो। पास करने के बाद अगर मॉलिक्यूल आपको बिल्कुल सेम नजर आ रहा है, साथ में पास आपने ऐसे ही करनी है एक्सिस कि एक दोनों, जो दो के बीच कंफ्यूजन है वो दोनों एक दूसरे की पोजीशन पे एक्सचेंज भी करें, एक दूसरे की पोजीशन पे एक्सचेंज भी करें। कि जैसे अभी मैंने बताया था, जो टूवर्ड्स वाला वो अवे, अवे वाला टूवर्ड्स, ये चेंज भी आना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक्सिस मॉलिक्यूल में कहीं और ही पास कर दी तुमने, इन दोनों का कोई लेना देना ही नहीं है। तो जिसके बारे में तुम यहां पे फाइंड आउट कर रहे हो सिमेट्री मेथड से, उसके बीचों बीच ही एक्सिस ऑफ सिमेट्री पास करनी है। सो दोनों एक्सचेंज हो गए, एक दूसरे की पोजीशन उन्होंने एक्सचेंज कर ली, बट स्टिल अभी भी मॉलिक्यूल आपका वैसे ही नजर आ रहा है। तो मैंने कहा सी टू प्रेजेंट है। सी टू प्रेजेंट होने का मतलब क्या है यहाँ पे, कि ये दोनों प्रोटॉन्स आपस में होमोटॉपिक है, और जो होमोटॉपिक प्रोटॉन्स होते हैं उनका सेम सिग्नल आता है। ठीक, ये बात होगी। बट नेक्स्ट स्टेप है, ये आपके पास फर्स्ट स्टेप है, ये सेकेंड स्टेप है, और जिस सीरीज में बता रही हूं मैं स्टेप्स को, उसी सीरीज में फॉलो करना है, जंप नहीं करना है कहीं पे भी। पहले पास ऑफ एक्सिस सिमेट्री करना ही है, उसके बाद मिलती है खत्म कहानी, नहीं मिलती है तब क्या। सो इफ एक्सिस ऑफ सिमेट्री, इफ एक्सिस ऑफ सिमेट्री इज नॉट प्रेजेंट, इफ एक्सिस ऑफ सिमेट्री इज नॉट प्रेजेंट, देन अप्लाई, then apply or pass plane of symmetry, then apply or pass plane of symmetry। अब उस मॉलिक्यूल में आपने अगर एक्सिस ऑफ सिमेट्री नहीं मिली, नहीं मिली का मतलब क्या है कि मॉलिक्यूल अब अलग नजर आने लग गया है आफ्टर ओरिएंटेशन, तो प्लेन ऑफ सिमेट्री पास करनी है। और प्लेन ऑफ सिमेट्री आपके पास दो तरह की होती है, एक आपके पास होगी रिफ्लेक्शन वाली और एक आपके पास होगी बाइसेक्शन वाली। ठीक है, तो अभी जस्ट नोट कर लो रिफ्लेक्शन और बाइसेक्शन का क्या मतलब है, विद एग्जांपल्स आपको मैं क्लियर करवाती हूं। जब रिफ्लेक्शन वाले हैं तब आपके पास जो प्रोटॉन्स हैं वो होंगे इनेंशियोटॉपिक, तब वो प्रोटॉन्स होंगे इनेंशियोटॉपिक। जब बाइसेक्शन वाला प्लेन आएगा तब होगा वो डायस्टीरियोटॉपिक, एक इनेंशियोटॉपिक एक डायस्टीरियोटॉपिक। तो जो इनेंशियोटॉपिक है उसका आपके पास आता है सेम सिग्नल, उसका आपके पास आता है सेम सिग्नल, जबकि डायस्टीरियोटॉपिक का आता है डिफरेंट सिग्नल, जबकि डायस्टीरियोटॉपिक का आता है डिफरेंट सिग्नल। तो ये सारा मेथड आपके पास इस तरीके से वर्क करता है। तो अभी के लिए जस्ट आपको पता होना चाहिए कि सिमेट्री मेथड है क्या और हमें इससे इंफॉर्मेशन क्या मिल रही है, बाकी एग्जांपल्स में अप्लाई कैसे करना है वो अभी हम करेंगे। राइट, सो एक बार फिर से रिपीट कर रही हूं कि सिमेट्री मेथड आपने कैसे अप्लाई करना है। कोई मॉलिक्यूल दिया आपसे, नंबर ऑफ सिग्नल पूछे, और उसमें दो प्रोटॉन्स में आपको कंफ्यूजन आ रहा है कि उसका सेम आना चाहिए डिफरेंट नहीं समझ आ रहा, तो उस मॉलिक्यूल में जो दोनों प्रोटॉन है उनके बीचों बीच एक्सिस ऑफ सिमेट्री पास कीजिए।
एक्सिस ऑफ सिमेट्री पास करने के बाद मॉलिक्यूल अगर एग्जैक्टली वैसा ही नजर आता है जैसा रोटेशन से पहले था, और दोनों वो प्रोटॉन्स एक दूसरे की पोजीशन एक्सचेंज भी करते हैं, तो उसमें एक्सिस ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। और अगर उसमें एक्सिस ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है तो दोनों प्रोटॉन्स होमोटॉपिक है, और अगर दोनों प्रोटॉन्स होमोटॉपिक है तो वो सेम सिग्नल जनरेट करते हैं, दोनों प्रोटॉन का सेम। बट इन केस C2 axis नहीं है, देन हमें नेक्स्ट स्टेप पे मूव करना है, और वो नेक्स्ट स्टेप है देन अप्लाई प्लेन ऑफ सिमेट्री। उस मॉलिक्यूल को हमने इस तरीके से डिवाइड करना है कि वो 2 equal halves में डिवाइड हो जाए, और 2 equal halves में डिवाइड होने के बाद जिन दो प्रोटॉन्स का हम चेक कर रहे हैं, अगर वो दोनों प्रोटॉन एक दूसरे को उस प्लेन में रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, उस प्लेन में एक यहां प्रेजेंट है एक यहां प्रेजेंट है, तो ये एक दूसरे के रिफ्लेक्शन हो गए। अगर दोनों प्रोटॉन एक दूसरे को रिफ्लेक्ट करते हैं तो वो दोनों इनेंशियोटॉपिक होते हैं, और इनेंशियोटॉपिक हमेशा सेम सिग्नल देते हैं, तो इन दोनों प्रोटॉन्स का सेम होगा। बट इन केस आपने मॉलिक्यूल में प्लेन ऑफ सिमेट्री पास करी और प्रोटॉन इस तरीके से प्रेजेंट है, और आपने जब ये प्लेन ऑफ सिमेट्री पास की तो अप का हाइड्रोजन और डाउन का हाइड्रोजन उसी प्लेन में क्या हो गया, बाइसेक्ट। अप का हाइड्रोजन और डाउन का हाइड्रोजन उसी प्लेन में क्या हो गया, बाइसेक्ट। तो अगर वो वहां पे बाइसेक्ट हो रहा है, इट मींस प्लेन ऑफ बाइसेक्शन। तो जिन लिगेंड्स के बारे में, जिन प्रोटॉन्स के बारे में हम स्टडी कर रहे थे, वो उस मॉलिक्यूल में प्लेन पास करने पे 2 equal halves में डिवाइड भी हो गया, और साथ में वो दोनों प्रोटॉन उसी प्लेन में बाइसेक्ट भी हो गए, वो भी कट हो गए, देन उन दोनों प्रोटॉन्स का सिग्नल आएगा डिफरेंट, क्योंकि इन दोनों प्रोटॉन्स का आपस में रिलेशन होता है डायस्टीरियोटॉपिक। ओके, सो ये सिमेट्री मेथड है। सो अब हमें ये चीज पता चल चुकी है कि केमिकल एनवायरनमेंट के बेसिस पे जो सेम दिखते हैं उनका एक सिग्नल, जो डिफरेंट दिखते हैं उनका डिफरेंट सिग्नल। सिमेट्री मेथड के बेसिस पे होमोटॉपिक है सेम सिग्नल, इनेंशियोटॉपिक है सेम सिग्नल, डायस्टीरियोटॉपिक है देन डिफरेंट सिग्नल। और इसे बहुत सिंपल तरीके से याद कर सकते हो, D4 डायस्टीरियोटॉपिक, D4 डिफरेंट, राइट? तो इजीली लर्न रह जाएगा। तो डायस्टीरियोटॉपिक वालों का डिफरेंट, बाकी सबका सेम। अब ये सारे जो मेथड्स हमने यहाँ पे सीखे हैं, इनको हम एग्जांपल्स पे अप्लाई करेंगे, कि कुछ क्वेश्चंस हमारे केमिकल एनवायरनमेंट से भी हो जाएंगे, बट कुछ के लिए हमें सिमेट्री मेथड की भी हेल्प लेनी पड़ेगी।